हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराधा दुबे वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद द थर्ड पार्ट ऑफ द लास्ट लेसन. दिस पार्ट विल कवर द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, दैट इज कॉल्ड हॉट्स, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स एटसेट्रा. द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 marks, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देम मोर कॉम्प्रिहेंसिवली. So if you have understood the question, the chapter, then the short questions, so on at this stage you should have a very well idea about what was the basic concept and theme of the chapter. So let's discuss the questions one by one. Basically HOTS mein jo do questions puche jate hain, the first question is what was unusual about the school or what changes did friends notice about the school that day. Kisi bhi tarike se agar ye question aata hai to you are supposed to write the reason of the changes. That means the order of the bulletin board will be used as the introduction of your answer. राइट तो सबसे पहले आप बताएंगे कि क्या ऑर्डर था और जिसकी वजह से ये चेंजेस आए थे. तो आप बताएंगे कि वही ऑर्डर, द ऑर्डर फ्रॉम जर्मन, दैट इन द स्कूल्स ऑफ अल्जैक एंड लॉरेन नाउ फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द प्लेस ऑफ फ्रेंच एंड द न्यू जर्मन टीचर विल ज्वाइन फ्रॉम द नेक्स्ट. देन द अनयूजुअल थिंग्स अबाउट द स्कूल, जो जो चेंजेस स्कूल में चैप्टर के प्रोसीडिंग्स के साथ आए थे उनको उसी सीक्वेंस में हम कवर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही वॉज नियरिंग टू द स्कूल ही फाउंड दैट द स्कूल विच वॉज सो नॉइजी दैट द नॉइज वॉज ऑडिबल इन दैट स्ट्रीट इटसेल्फ, बट टूडे इट वॉज काम एंड क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग. दूसरा चेंज वो नोटिस करता है दैट द टीचर हु यूज टू बी सो स्ट्रिक्ट एंड क्रैंकी, टूडे ही वॉज स्पीकिंग इन अ वेरी जेंटल टोन. तीसरा जो पॉइंट वो नोटिस करता है कि उसका टीचर हु वॉज अ वेरी वेरी वी कैन से टिपिकल टाइप ऑफ अ फेलो, टूडे ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज फैंसी कॉस्ट्यूम, संडे कॉस्ट्यूम विच ही जनरली वोर ऑन द रिजल्ट डेज और द इंस्पेक्शन डेज, सो इट वॉज ऑल्सो स्पेशल अबाउट दैट डे. एंड फाइनल द थिंग विच ही नोटिस दैट द ओल्ड पीपल, ओल्ड एंड रिप्यूटेड पीपल ऑफ द विलेज लाइक ओल्ड पोस्ट मास्टर, ओल्ड मेयर, रिटायर्ड पीपल हॉजर, these people are sitting on the back benches of the classroom. Right? Then the impact of these changes in the classroom. Right? The impact of the order on the classroom. तो हम बताएंगे कि बच्चा जो है या सारे ही लोग जो उस क्लास में बैठे हुए हैं उन सबके ऊपर उस ऑर्डर का इफेक्ट जो है वो क्लियरली विजिबल है. ठीक है, बच्चा ही फील्स अ काइंड ऑफ थंडर क्लैप इन हिज ईयर्स, ये जो ऑर्डर है वो एक थंडर क्लैप की तरह उसकी कानों में बजता है. राइट, उसका एटीट्यूड सडनली सारी चीजों के लिए बदलता जाता है. उसकी किताबें जो पहले उसे बोझा प्रतीत होती थी, आज उसे वो उनसे प्रेम उसे प्रतीत हो रहा है, वो उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहा है. वो टीचर जो उसे हमेशा क्रैंकी लगता था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लगता था, एंड ही वाज सो मच अफ्रेड ऑफ हिम, टुडे इज फीलिंग अ काइंड ऑफ सिंपैथी फॉर द टीचर बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट डे ही इज सपोज टू लीव द स्कूल. तो ये सारे चेंजेस हैं. द इफेक्ट ऑफ दिस ऑर्डर इज रिफ्लेक्टेड ऑन द ओल्ड पीपल ऑल्सो, दे आर सिटिंग इन द क्लासरूम बिकॉज इट इज अ वे ऑफ शोइंग देयर रिग्रेट दैट दे वाई डिड दे नॉट गो टू द स्कूल मोर ऑफन, why did they not get this opportunity. This is the way to show their respect to the language which is not theirs anymore. This is the way to show their respect to Am Hamel, the teacher who has dedicated his 40 years of life to this place, teaching people French. So this will be the answer of this question. You will cover the idea point wise. The second question that is covered from this chapter is what are the views of Am Hamel towards French language. This is a very beautiful answer, I can say.
जब एम हैमल क्लास में खड़े होके हम बहुत ही जब से इंट्रोड्यूस होता है चैप्टर स्टोरी इंट्रोड्यूस होती है एम हैमल और फ्रेंड्स जो है वो कन्फ्रंट करते हैं उस टाइम से हम एक फर्क महसूस करते हैं थ्रू द वर्ड्स ऑफ फ्रेंड्स दैट टुडे समथिंग इज चेंज्ड व्हेन वी फील व्हेन वी फाइंड द क्रैंकी एंड सो कॉल्ड स्ट्रिक्ट टीचर स्पीकिंग इन अ जेंटल टोन देन अगेन वी रियलाइज दैट समथिंग रॉन्ग इज दैट टीचर खड़ा होता है और बहुत ही सॉलम वॉइस में ही नरेट्स द ऑर्डर ऑफ द बुलेटिन बोर्ड टू द पीपल हु आर प्रेजेंट इन द क्लास बाय द सेम टाइम वी हैव एन आइडिया हाउ सेंटिमेंटल दिस मैन इज अबाउट हिज लैंग्वेज ही इज एन एजुकेटेड पर्सन He blames himself that if the students of this districts are not able to read French correctly, write French correctly, it is his fault. Maybe he has not given his 100%. That's why the students are not able to follow the language correctly. And they should be ashamed of themselves because they are not able to follow their own language. It is a part of their identity. Aur agar wo ye nahi karte to unke liye ek bahut hi sharm ka vishay hai. हम फिर से देखते हैं जब वो खड़े होके बच्चों को क्लास को फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है एंड ही गोज ऑन टू से फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल इट ऑल्सो शोज हाउ पॉजिटिव हाउ सिंपैथेटिक हाउ लविंग हाउ रिस्पेक्टफुल ही इज टुवर्ड्स हिज लैंग्वेज दिस इज नॉट हिज लव ओनली फॉर द लैंग्वेज दिस इज द लव फॉर हिज नेशन बिकॉज नेशनैलिटी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद लैंग्वेज सो एंड देन His idea about being enslaved, if you are enslaved but you have the hold on your language, it is as if you have the capability to release yourself from that bondages at the time whenever you wish. This also shows how powerful feeling he has towards his language. And the last scene, how can we forget this? The way in which Am Hamel ends the last lesson, this is completely pathetic. This is completely miserable. He is so miserable, we feel pity on him. When he wants to say something, he wants to dismiss the class by declaring, but he is not able to do so because he got so sentimental. His throat is choked, his eyes are filled. So he writes on the blackboard, why we love friends. That means long live friends. Even the last statement shows how loving he is towards the language, right? And then he dismisses the class. So on every step through his actions and through his words, he had shown his respectful and positive attitude towards his language. Now comes the value-based question. The most important value-based question that is covered by the chapter is patriotism. How will you say that patriotism can be instilled among the students at a very early age or the language can be a medium to instill patriotism among the people? बताया गया है आपको कैसे एम हैमल ऑन एवरी स्टेप्स ही एसोसिएट लैंग्वेज विद योर विद द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल एज फ्रेंच मैन राइट ही एट वन प्लेस ही सेज एज फ्रेंच मैन वी शुड बी अशेम्ड ऑफ अवर सेल्स दैट वी आर नॉट एबल टू स्पीक अवर ओन लैंग्वेज दैट इज फ्रेंच एंड द अदर पीपल दैट मीन्स जर्मन विल हैव अ चांस टू लाफ ऑन अवर सेल्स Right, so this also shows that he has a kind. He is associating language with the patriotism. Patriotism means that you have a very respectful and loving feeling towards your country. So we can quote the words of Abraham Lincoln here. Don't think what you have done to your what. The nation has done to you. Just think what you have done for your nation.
Right. So this is the basic requirement of ourselves as a human being. We should have the feeling of patriotism towards our language, towards our country, and our action should be directed like this, that one day our country should be proud on us and on our deeds. And the last question that is sometimes asked, describe M. Hamel as a teacher, right? Character sketch of M. Hamel, or you can be asked the quality of a teacher, right? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एम हेमल के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया गया है. इनिशियली इफ वी बोरो द वर्ड्स ऑफ फ्रेंड्स, वी फाइंड दैट दिस ही इज अ टिपिकल टाइप ऑफ अ पर्सन हु इज क्रैंकी, हु इज स्ट्रिक्ट, हु ऑलवेज हैज अ रूलर अंडर हिज आर्म्स, ही कीप्स ऑन रैपिंग इट ऑन द डेस्क ऑफ द स्टूडेंट्स टू मेक देम टेरिफाई. बट वेन the order comes from Berlin, when the order is delivered in the class, it is broadcasted in the class, we see a 360 degree change in the personality of M. Hamel, and he shows his true self, his love for his nation, his love for his language, his sincerity towards his people. He realizes that a teacher has the responsibility to mold the characters of his students. So if the students are not able to learn language properly, it is his fault. Maybe he has failed in his duty. Then he goes on to make the people realize the importance of significance of French language. It also shows that the teacher is not responsible only for the intellectual development of the students. He is also responsible for the overall conduct and personality of the student. He is also responsible for the overall character of the student. This is also the duty of a good teacher. Right? Apart from delivering bookish knowledge or the lectures, it is the duty of a teacher to watch what are the strengths and weaknesses of the children, what are the areas which need to be strengthened among the students so that they can be an asset to their society and to their country. So with this, thank you.